लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइंड सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में हम दिसंबर 2010 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड जून 2010 एंड दिसंबर 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया है, यू गो एंड प्लीज वॉच कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिकॉज ये एक इजी कॉन्सेप्ट है एंड ये मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है आपका टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, आइदर वो NIC हो, आइदर वो अपकमिंग NIELT का एग्जाम हो या आइदर PhD एंट्रेंस के एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए ये आपका मोस्ट सिक्योरिंग सब्जेक्ट है। सो लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर्स राइट डाउन करिए। आप या तो अपने नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपके आज के सेशन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट हुए। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा, विच डिक्लेरेशन आर करेक्ट। यहाँ पे आपको फोर डिक्लेरेशंस गिवन है, ठीक है। इस फोर डिक्लेरेशन में आप मुझे आंसर प्रोवाइड करें कि कौन सा करेक्ट है। टिल देन मैं इसका आंसर प्रोवाइड करती हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो आंसर इज वन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूंगी कि वन किस लिए करेक्ट हुआ, तो आपको पहले क्या करना है, इलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। जैसे अगर आप स्टेटमेंट टू को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, डबल वर्ड इक्वल्स टू 0.0। तो यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, वेरिएबल नेम होना चाहिए, बट इन्होंने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज किया वर्ड, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमने एक इलिमिनेट किया। इसके बाद आप एक ऑप्शन फोर को देखिए। ऑप्शन फोर में क्या गिवन है, कैर सी इक्वल्स टू डबल कोट्स। तो वी नो कि ऑलरेडी डबल कोट्स में आपका स्ट्रिंग वैल्यू होता है, बट कैरेक्टर कितने कैरेक्टर को होल्ड करेगा, ओनली वन बाइट। सो आपका ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसके बाद आप ध्यान से ऑप्शन थ्री को देखिए। थ्री में इन्होंने क्या लिखा है, शॉर्ट एरे टू इक्वल्स टू 0.1.2। तो यहाँ पे दो तीन मिस्टेक है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि व्हाट आर द दोज मिस्टेक। टिल देन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट एरे। तो शॉर्ट जो एक डेटा टाइप है, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ डेटा टाइप, इट इज़ अ मॉडिफायर। डेटा टाइप क्या होता है, अगर यहाँ पे 0.1.2 है तो हम ऐसा एज्यूम करके ले सकते हैं कि यहाँ पे डेटा टाइप आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर में अगर यहाँ पे इन्होंने 2 लिखा है, तो 2 का मीन्स वॉट, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे, 0 और 1, बट यहाँ पे इन्होंने 3 एलिमेंट लिखा, तो एक मिस्टेक ये हो गया। अगर मैं दूसरा मिस्टेक यहाँ पे आपको सेम स्टेटमेंट में बताऊँ, तो यहाँ पे शॉर्ट के बाद इन्होंने एक एरे वेरिएबल नेम लिया, बट यहाँ पे आपका मिसिंग क्या है, डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर लिखना कंपलसरी था जो उन्होंने नहीं लिखा, तो ये दूसरा मिस्टेक हो गया सेम क्वेश्चन में। इसके बाद थर्ड मिस्टेक ये कहता है कि अगर आपको जावा का कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो ऐड, ये क्या है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं और साथ में डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इफ़ इन एनी स्टेटमेंट अगर आप साथ में डिक्लेयर भी कर रहे हो और डिफाइन भी कर रहे हो, तो यहाँ पे उसका साइज मेंशन नहीं किया जाता है, अदरवाइज वो आपको कंपाइलर एरर देगा। तो हेंस ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गए। इसके बाद आपका एक ऑप्शन बचा इंटीजर जेड। तो यहाँ पे ये एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इसलिए है कि अगर मैं जावा के रिस्पेक्ट में बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा नन, बट NTA ने इसका आंसर दिया है बी। बी इसलिए दिया है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करिएगा किसी भी सी के कंपाइलर पे, तो ये स्टेटमेंट आपको कोई एरर नहीं देगा, बट अगर आप इस स्टेटमेंट को जावा के या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइल करेंगे देन ये एरर देगा। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि इस एरर का क्या रीज़न है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देती हूँ कि यहाँ पे देखिए क्या है, इन्होंने लिखा है इंटीजर, तो इंटीजर का डेटा टाइप कितना होल्ड करेगा, साइज 2 बाइट, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, फ्लोट। तो हमें मालूम है अगर मेरा साइज छोटा है तो क्या इसमें मैं बड़ी वैल्यूज डाल पाऊंगी, नहीं डाल पाऊंगी। तो सिमिलरली अगर फ्लोट 4 बाइट का है तो क्या वो 2 बाइट में एडजस्ट होगा, नहीं होगा। तो हेंस अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसर्न से बात करूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिमार्क लिखा है कि विथ रिस्पेक्ट टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका आंसर होगा 1। अगर आप सी के बेस पर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना था।
ऑल दो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसे मैंने आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश करी है जो डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका क्या है कि यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी स्टैक में पढ़ते हैं जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, तो हमें मालूम है कि हमें पहले ब्रैकेट के प्रेसिडेंस रूल को यहाँ पे फॉलो करना है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग जो यूनिट 3 का पार्ट है, उसमें आपको ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, डिक्लेरेशंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इवन एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है। तो मैंने यहाँ पे आपको टाइप बताया है और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को डाला कि ऑल दो ये इजी है बट यू नीड टू नो कि व्हाट आर द स्कोरिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवॉल्व करेंगे तो 13 / 4 इज 3, 3 × 3 इज 9, एंड 9 का जब आप मॉडुलस लेंगे तो आएगा 4, और 4 + 1 लेंगे तो आंसर आएगा 5। तो हेंस इसका आंसर आएगा 5। बट आप रिमार्क को जरूर देखें, रिमार्क में मैंने क्या लिखा है कि अगर NTA का आंसर देखेंगे तो NTA ने इसका आंसर दिया है A, दिस वन। तो यहाँ पे हमें ये समझना था कि इसका आंसर 5 ही होना चाहिए, बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन हमेशा इंटीजर के टर्म्स में ही इवेलुएट होता है, इसलिए इसका आंसर 5 ही होना चाहिए। बट अगर मैं सपोज़ यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दूँ, अगर मैंने यहाँ पे किसी भी एक डिजिट में 0.0 लगा दिया, 1.0 लगा दिया, इट मीन्स वॉट कि ये फ्लोट हो गया। तो अगर एक भी आर्गुमेंट में फ्लोटिंग नंबर होगा तो इसका आंसर होगा A, बट बिकॉज कि इस क्वेश्चन में एक भी फ्लोटिंग नंबर नहीं है, हेंस इसका करेक्ट आंसर 5 ही होगा। बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होना चाहिए था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमने यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको मॉडुलस ऑपरेटर पे माइट भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप थोड़ा उसको खुद से भी रीड आउट करिए कि मॉडुलस ऑपरेटर में कैसे स्टेटमेंट को, एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करते हैं। सब मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखा है मॉडुलर ऑपरेटर के बारे में। द मॉडुलस ऑपरेटर कैनॉट बी अप्लाई टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स डैट इज फ्लोट और डबल, द कंपाइलर विल प्रोड्यूस अ एरर। तो जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता रही थी कि उसमें सारे इंटीजर वैल्यू है, तो वो फ्लोट में कभी भी आंसर नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे और इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो एवरी टाइम एरर देगा। तो आई होप आपको प्रीवियस क्वेश्चन ईजिली पता चला होगा कि वाई आंसर 5 इज करेक्ट, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि NTA ने आंसर दिया इसलिए दैट आंसर इज करेक्ट, नो। आपको अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना और उसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आपको भी मालूम है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा तो आपने ये फाइंड आउट किया होगा एवरी टाइम 2 से 3 क्वेश्चंस का ग्रेस मिलता है, तो इसलिए आपको उसको अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट देखते हैं, द साइन ऑफ द रिजल्ट ऑफ मॉडुलो ऑपरेटर इन मशीन डिपेंडेंट फॉर निगेटिव ऑपरेंड एज द एक्शन टेक्स अ रिजल्ट ऑफ अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। दूसरा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट का देखा कि फ्लोटिंग पॉइंट में वो ऑपरेट ही नहीं होगा, एवरी टाइम वो इंटीजर देगा, बट अगर एक्सप्रेशन में आपका कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट है देन आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इन्होंने निगेटिव के लिए बताया है, निगेटिव के लिए क्या बताया कि अगर सपोज -3 है, 4 आप रिजल्ट में एक्स मॉडुलो वाई डालेंगे तो रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, -3। रिमाइंडर क्या होगा, -3/4 का -3। आप इसमें निगेटिव को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कोई भी मॉड में हम वैल्यूज को नहीं लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं 4/-2 करूँगी तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज 0 में आप निगेटिव लगाओ नहीं लगाओ उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट था मॉडुलस ऑपरेटर्स के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैंने सेम 2010 से ही लिया, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर प्रोवाइड करिए। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि क्वेश्चन व्हाट इज गिवन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल सेट द वैल्यू फॉर वाई 2-5 इफ एक्स एज द वैल्यू 3। अगर एक्स की वैल्यूज 3 गिवन है तो वाई का कौन सा स्टेटमेंट 5 वैल्यू असाइन करेगा। तो हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहले में क्या लिखा, x इक्वल्स टू 3, ये तो रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है इक्वल्स टू मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर, और अगर डबल इक्वल्स टू रहेगा तो वो इक्वल्स टू होगा, हेंस आपका ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद आप ये बी स्टेटमेंट देखिए, बी स्टेटमेंट में इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा, तो क्या ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, इवेलुएट नहीं होगा, दिस इज कंपाइलेशन एरर। इसके बाद आप थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड में इन्होंने क्या लिखा, एक्स इक्वल्स टू 3, यहाँ तक तो करेक्ट लिखा, उसके बाद इन्होंने सेमी कॉलन लिखा, तो सेमी कॉलन का क्या मीन्स है कि इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी वॉट, आंसर विल बी
फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल दो ये क्वेश्चन इजी था, पर मैंने यहाँ पे इसलिए लाया है कि आपको एग्जाम में एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है आपने एक बार देखा और तुरंत टिक मार्क कर दिया, आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन को एक से दो बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए आप, टिल देन मैं आंसर प्रोवाइड करती हूँ। सी स्टेट सेंटेंस इज ट्रू पूछा है, तो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, रॉन्ग है, हमें पता है लूप तीन तरीके के होते हैं, फॉर व्हाइल डूअल, फॉर मीन्स कि इसमें तीनों स्टेटमेंट एक जगह पे लिखे होते हैं, व्हाइल में हम क्या करेंगे असाइनमेंट पहले करेंगे देन कंडीशन देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और डू व्हाइल में क्या होगा आपका पहले स्टेटमेंट होगा देन बाद में कंडीशन चेक होता है, ठीक है। तो हमें भी मालूम है, हम बेसिक पढ़ के ऑलरेडी आए कि अगर आपका डू व्हाइल है तो डू व्हाइल में अगर कंडीशन रॉन्ग भी है फिर भी एटलीस्ट वन टाइम्स तो प्रिंटिंग हो जाती है। आई होप इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो आपको ये क्वेश्चन तो ईजिली समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर टू हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप इसको रीड करिए, ब्लैक रिफर्स इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मीन्स व्हाट, कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी ब्लॉक, आईओ इज हिडन, डिजाइन इज हिडन एंड यूजर्स आर हिडन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट इज हिडन, क्योंकि हमने लास्ट टर्न पे अभी ये क्वेश्चन देखा था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है तो आपको इजिली पता होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जनरलाइजेशन द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ एन एंटिटी इज व्हाट, मैक्सिमाइज मिनिमाइज बोथ और नन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, अगर हम रिकॉल करें तो हमें मालूम है कि जनरलाइजेशन कैसा अप्रोच है, बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है, जिसमें जो हमारे दो सब क्लासेस होते हैं उसमें जो भी कॉमन फीचर्स होता है उसको हम इस ए रिलेशन के साथ क्या करेंगे एक हायर लेवल का एंटिटी बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट जनरलाइजेशन, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो अब यहाँ पे आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिनिमाइज। कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन को आपको समझना था, क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ एन एंटिटी, तो इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए, इसमें कुछ तो कॉमन होगा देन आप जाके एक नया सब क्लास बनाओगे ना। तो हेंस यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन ये सारा क्या है, आपका डेटाबेस का ईआर मॉडल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें डेटा अब्स्ट्रैक्शन इन विच अब्स्ट्रैक्शन इज द मैकेनिज्म यूज टू हाइड डिटेल्स एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि जो ये जो कॉन्सेप्ट है जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन, ये कॉन्सेप्ट किसका पार्ट होता है, तो वो डेटा अब्स्ट्रैक्शन का पार्ट होता है। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि सी जनरलाइजेशन व्हाट इज बॉटम अप अप्रोच, तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या हो जाएगा, टॉप डाउन। आपका जनरलाइजेशन हम क्या बोलेंगे, हम क्या नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा स्पेसिफिक टू जनरल, जिसमें कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं, और स्पेशलाइजेशन ठीक इसका उल्टा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी इज व्हाट, कि आपको सिर्फ एक को याद करना है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको इजिली एग्जाम में आप इलिमिनेट कर सकते हो। तो हेंस दो ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन इज कि साइज ऑफ स्कीमा गेट रिड्यूस्ड, ऑब्वियस ही बात है कि आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को एक मॉड्यूल में बना रहे हो, तो आपका साइज क्या होगा, रिड्यूस ही होगा। नो इनहेरिटेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके जनरलाइजेशन में इनहेरिटेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जनरली अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पांच बहुत मेजर डिफरेंसेस लाया है, तो आप उसको प्लीज़ समझिए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। इसके बाद यहाँ पे सेम आप ये डायग्राम देखें, यहाँ पे मैंने एग्रीगेशन को समझाया, एग्रीगेशन मीन्स व्हाट, एग्रीगेट करना का मतलब होता है कंबाइन करना, इकट्ठा करना। आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको सपोज एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम करना, तो आप क्या करोगे उसका डेटा उठा के एक जगह रख दोगे। तो एग्रीगेशन का मीन्स क्या होता है कि जब आपके कुछ एंटिटीज़ हैं और उसके बीच में कोई भी रिलेशन है बट वो अपने आप में इनफ नहीं है उस एंटिटी उस रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, तो हम उसको कंबाइन करेंगे किसी दूसरे एंटिटी रिलेशनशिप के साथ। तो एग्रीगेट मतलब हमने कंबाइन कर दिया। तो हेंस आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, सपोज एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो यहाँ पे मेनी टू वन हो सकता है, एक एम्प्लॉय दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो या एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो, तो इन दोनों के बीच में मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया। अब सपोज एक प्रोजेक्ट पे आप काम करो तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मशीनरी की ज़रूरत होगी। हेंस जो ये वाला रिलेशन है, ये पूरा जो एक आपका
यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप का डायग्राम है वो किसको रिलेट कर रहा है, रिक्वायर्स। तो एग्रीगेट करने के मतलब कि किसी भी कंपनी में अगर कोई भी मशीनरी बेस्ड काम हो रहा है या प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो क्या उसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या उसमें हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ की जरूरत पड़ेगी। हैंस दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एग्रीगेशन। तो इस स्लाइड में मैंने ये कोशिश करा है कि आपको व्हाट डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन का डिफरेंस मालूम हो। तो आई होप कि आपको अगर ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कोड इज द आउटपुट ऑफ व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर असेंबलर, ओनली असेंबलर, कंपाइलर, बताइए क्या होगा। ये आप जब प्रोग्रामिंग सीखते हो उसके बेसिक्स में हमारा एक कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। तो अगर आपने कंपाइलर पढ़ा है जो कि TOC के साथ हमारा मे बी यूनिट 8 है, तो कंपाइलर में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कंपाइलर, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर, व्हाट इज़ असेंबलर एंड व्हाट आर दीज, दीज आर लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ये आपका पेपर वन का भी ये क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे कि असेंबलर क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर है या कंपाइलर है या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, व्हाट इज़ दिस। तो आप क्या आंसर लगाओगे कि आपका जो भी कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है और इंटरप्रेटर होता है, दिस ऑल आर नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। टिल देन मैं इसका आंसर प्रोवाइड किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर और असेंबलर। तो ऑब्जेक्ट कोड इज द आउटपुट ऑफ व्हाट, अगर सपोज हम एक फाइल सी की बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या डालेंगे, .c, ठीक है। .c जब कंपाइलर इस पर वर्क करेगा देन उसको वो किस में कन्वर्ट करता है, OBJ कोड में। जब आपका ये बन जाएगा फिर आप लिंकर का यूज़ करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका कंपाइलेशन प्रोसेस है जो वेरी बेसिक टॉपिक होता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हेंस ऑब्जेक्ट कोड किसका पार्ट होगा, कंपाइलर और असेंबलर का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे मैंने अब आपको क्या बताया है, एज द नेम ऑफ माई चैनल इज एक्स्ट्रा स्टेप, इसलिए मैं हर एक स्लाइड के साथ कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सो दैट कि जब आप एग्जाम में इस प्लेलिस्ट को देखें तो आप इजिली सारे टॉपिक्स को याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर में हम जल्दी से डिफरेंसेस देख लेते हैं। व्हाट इज कंपाइलर, एज यू ऑल नो इट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब इंटरप्रेटर में भी वो सेम होता है, असेंबलर में क्या डिफरेंस हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज की जगह वो असेंबली कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ट्रांसलेट ऑल कोड एट द सेम टाइम, मीन्स व्हाट, कि अगर आपका कोई भी सोर्स फाइल है उसमें वो एक एक करके नहीं एग्जीक्यूट करता है, वो हर एक लाइन को, अब देखिए इंटरप्रेटर करेगा लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, कंपाइलर क्या करेगा सारे को एक बार में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करेगा, वो भी एक बार में सबको कन्वर्ट करता है, ठीक है, मशीन कोड में। तो आई होप कि आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट इज जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, और आपका असेंबलर भी क्या करता है, वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा। अब आप इंटरप्रेटर में देखिए, इट डज नॉट जनरेट इंटरमीडिएट कोड, हेंस लेस मेमोरी इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कंपाइलर एंड असेंबलर। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने डिफरेंस प्रोवाइड किया है कि इंटरप्रेटर जब आप यूज़ करते हो तो वो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। उसके बाद आप डिबगिंग देखिए, अगर वो एक बार में सबको कन्वर्ट कर रहा है तो डिबगिंग क्या हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा। इसमें हम लाइन बाय लाइन करते हैं इसलिए इसका फास्टर हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। देन ये मैंने सेवरल एग्जांपल्स दे दिया, लाइक असेंबलर में आपका JNU कंपाइलर होगा, इसमें पाइथन पर्ल होते हैं और इसमें C++ का कॉन्सेप्ट आता है। तो दिस चार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप एग्ज़ाम में इजिली यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, जिसमें ये दो स्टेटमेंट सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या, ये क्वेश्चन क्या है बताइए, मैक्रो इन एन असेंबली लैंग्वेज असेंबली लेवल प्रोग्राम इज व्हाट, इट इज़ अ सब प्रोग्राम, अ कंप्लीट प्रोग्राम, अ हार्डवेयर पोर्शन और रिलेटिव कोडिंग। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका हम आंसर देखते हैं, व्हाट इज मैक्रो, मैक्रो किसी भी लैंग्वेज में, सी में हमारा क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जिसको मैक्रोज बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्रोज इन एन असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग इज व्हाट, सब प्रोग्राम। इसको आप इलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, एक हार्डवेयर पोर्शन तो कुछ भी नहीं होता है, रिलेटिव कोडिंग भी कुछ नहीं होती, और एक कंप्लीट प्रोग्राम तो वो होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम हैश के साथ यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो सकता है जो कि कन्वर्ट करता है कंपाइलर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो व्हाट आर मैक्रोज, मैक्रोज आर
alternatives to subprogram and a way to implement abstraction, single line statement makes source code easier to read and eliminate redundancy. तो ये macro का एक definition हो जाता है जो कि important है आपका कि it is a way to implement abstraction. ठीक है, एक single line statement होता है, इसमें multiple lines हम लिखते हैं but उसकी coding आपको करनी पड़ेगी different तरीके से and make source code easier to read and eliminate redundancy. तो this is the use of macros. Moving to the next question is कि यहाँ पर मैं next question नहीं लाई हूँ, मैंने यहाँ पर क्या लाया है कि अगर हमने macro पढ़ा है तो मैक्रो का जो डेफिनेशन होता है, जैसे हमने लिखा हैश डिफाइन पाई और पाई की वैल्यू हमने 3.4 लिख दिया. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैक्रोज में, इसे कई बार क्वेश्चंस आए हैं तो हम थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं. इफ़ मैक्रो आर्गुमेंट्स आर नॉट इवेलुएटेड बिफोर मैक्रो एक्सपेंशन, तो ये एक स्टेटमेंट है. अभी समझिए, यहाँ पर लिखा है कि हैश डिफाइन मल्टीप्लाई ए बी ए क्रॉस बी, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, तो आप वीडियो को पॉज करो, इसका मुझे आंसर प्रोवाइड करिए. हैश डिफाइन मल्टीप्लाई ए बी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2+3 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3+5. इसका आंसर क्या आएगा 16. यू माइट बी सरप्राइज कि इसका आंसर 16 क्यों आया. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ. सी, यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रही थी. मल्टीप्लाई में मैंने क्या दिया, ए क्रॉस बी, और यहाँ पर क्या लिखा, ए मल्टीप्लाई बी. क्या यहाँ पे ब्रैकेट है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, 2+3 × 3+5, तो आपको अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन मिला. तो इस एक्सप्रेशन का आप इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा, 2+3 × 3 9+5, तो क्या हो जाएगा, ये 16 होगा. ठीक है, ये आपका 5 × 8, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर, ये नहीं होगा, ये आपका ऐसे होगा 9+2 11 11+5 16. तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आया कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग, कि आप अगर ऐसे लिखे उसमें ब्रैकेट नहीं डालो तो क्या कंपाइलर अपने आप से उसमें ब्रैकेट इंसर्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो मशीन है, मशीन वही काम करेगा जो आप उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करोगे. हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप इसका जवाब दीजिए. आप यहाँ पे उसी स्टेटमेंट को मैंने किससे लिखा है, तो ब्रैकेट लगा दिया है. ब्रैकेट लगाने का मतलब अब ये इवेलुएट होगा, फिर ये इवेलुएट होगा और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40. तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाई हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी, सी के बेसिक, सी प्लस प्लस के बेसिक्स, ऑल दो आपको सुनने में समझने में तो लगे कह रहे मैंने तो ये मास्टर्स में पढ़ा, दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक. तो गाइस, दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, आई एम टोटली एग्री विथ यू, बट द नीड इज़ कि यू नीड टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हेंस यहाँ पे हम एनालिसिस कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या क्या कवर कर लिया है, जून 2010 का क्वेश्चन कवर किया, दिसंबर 2010 का कवर किया, दिसंबर 2019 का हमने कवर कर लिया है, और जून 2019 में आपके सारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आए थे, तो उसका मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप देखिए क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. लेट मी रिमाइंड यू, आप ये सोचेंगे इसे एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले भी ऐसे क्वेश्चन 5 से 6 आ रहे थे और आज भी इसे क्वेश्चन 5 and 1+5 is 5. 5-5 क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आपको पूछा है, तो आप इस पूरे सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपका जो स्ट्रांग पार्ट है आप उसको भी अच्छे से और स्ट्रांग करिए, और जो आपका वीक पार्ट है उस पर आप काम करिए. सो लर्नर्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो 3 वीडियो मैंने अभी तक बनाया है उसमें मैंने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिया, मैक्रोस, ऑपरेटर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, एंड इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, डेटा हाइडिंग, एंड अगेन दीज आर द थिंग्स. So, if you have not watched the video, I will request you go back to the description box and check all the links. With these words, आज का सेशन मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करूँगी. आपकी जो भी क्वेरीज है या आपके जो भी सजेशन है आप मुझे फ्री होकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. At last, thank you so much.